सो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ. आज आज मेरे को जाना है कारगिल. सो अभी बज गया 9. मैं 6 बजे को उठी थी, फिर से मैं सो गई तो उठी मैं 8 बजे. फिर अभी तैयार हो गई हूँ, रेडी होके अभी मैं सामान सब कुछ मैंने पैक कर लिया है. और इधर देखो मैंने क्या क्या नीचे रख दिए हैं. और ये था मेरा रूम और कुछ इस तरीके का है. और मेरे को ना ये होटल वालों ने ना पानी दिए ना कुछ, ये कुछ भी नहीं दिया. और ऊपर से मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के लिए फ़ोन कर रही थी, वो भी नहीं उठा रहे. कल से मेरे को पानी ही नहीं दिए भाई. इतना ख़राब सर्विस है ये होटल का. और मेरा अभी इतना सारा सामान है ना, तो मैं नीचे अकेले लेके जाना पड़ेगा. वो भी फ़ोन भी नहीं उठा रहे. पता नहीं गाइस ये क्या था, हॉलीडे होम समझ लेना आप लोग. हॉलीडे होम बोल के है यहाँ पे कारगिल जाने वाला रास्ता पे. सो क्या ही कर सकते हैं अभी ऐसे. अभी मेरे को सिर्फ अपना सामान खुद ही नीचे लेके जाना पड़ेगा. सो चलते हैं अभी नीचे सामान लोड करते. 2 राउंड मारना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अभी तो एक साथ तो सब सामान लेके नहीं जा सकते. सो अभी पहले ये शैडल बैग और उसके बाद ये और बैग लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ही हेलमेट वगैरह लेके जाएंगे. सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में. चेन क्लीन करते हैं थोड़ा. वेलकम बैक टू मोटो व्लॉग. पहले ये ग्लव्स पहनती हूँ. एक्चुअली सुबह से मैंने ना एक बूंद पानी भी नहीं पिया. अभी 10 बजने को है. अभी चलते लेट्स गो. गणपति बप्पा मोरिया हर हर महादेव. लेट्स गो गाइस. आज हम लोग जाएंगे कारगिल. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज राधा पूनम फ्रॉम असम. नमस्कार फ्रॉम असम. सो गाइस आज की दिन की शुरुआत हो रही है लेह से. और आज फाइनली मैं लेह से निकल रही हूँ. और या अभी मेरे को सबसे पहले पेट्रोल भरना है. इधर आसपास पेट्रोल पम्प है कि नहीं है पता नहीं, या मेरे को वापस जाना पड़ेगा. तो थोड़ा आगे जाके देखते हो भी सकता है पेट्रोल पम्प. तो होने से बहुत अच्छा है, अगर नहीं होने से तो वापस जाना पड़ेगा पेट्रोल भरने के लिए. आज एक्चुअली मेरे को 280 किलोमीटर चलाने थे, ड्रास तक जाना था. लेकिन पता नहीं हो पाएगा भी या नहीं, क्योंकि रास्ता का तो हालत, यहाँ से रास्ता का हालत तो पता नहीं मेरे को. और ऊपर तो स्नो है. और कल बोल रहे थे कि वेदर ख़राब होने से, और कारगिल में थोड़ा थोड़ा स्नो भी हो रहा है. सो अगर ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया ना तो मेरे को उधर भी रुकना पड़ेगा, फंस जाऊँगी मैं उधर. हो इतना गंदा है ये. इधर से कारगिल दिखा रहे 240 किलोमीटर और जो जिला दिखा रहे 320 और श्रीनगर 430. तो एक्चुअली मेन क्या है ना, जो जिला पास जो है ना वहाँ पे स्नो होता है, तो वही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है. अगर ज़्यादा वेदर ख़राब हुआ, स्नो हो गया, तो उधर से वो नहीं होगा, मतलब क्रॉस करने नहीं देंगे. जैसे दर्शा में हम लोग फंस चुके थे, बिल्कुल वैसे ही मैं भी उधर फंस जाऊंगी. देख सकते हैं ऊपर बहुत ही स्नो है. आई डोंट नो गाइस मेरे को स्नो मिलने वाले है शायद. मैं ना एक्चुअली एक राउंड मार के जा रही हूँ. सो मैं मनाली से होके आए थे, अभी जा रहे कारगिल. तो कारगिल से होके श्रीनगर होके जाऊंगी. सो गाइस आप लोगों को भी दिखाऊंगी. लेट्स गो गाइस. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा गुरुद्वारा है. कारगिल जाने वाला रास्ता में मिलेंगे हम लोगों को गुरुद्वारा. मैग्नेटिक हिल जो बोलते हैं ना, यही जो एरिया है मैग्नेटिक हिल बोलते हैं. ऑफ करके देखो क्या, बाइक ऑफ करके. वैसे तो ये नीचे ही जा रहे हैं ना, तो अपने आप ही जाते होंगे. ये इसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है. पता नहीं कैसे क्या होता है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है. यहाँ का पहाड़ कुछ थोड़ा अलग है. आप लोगों ने उस दिन देखा था, आप लोगों ने जितना भी ब्लॉग देखा शायद ऐसे पहाड़ नहीं देखे होंगे. इस बार का पहाड़ कुछ अलग है थोड़ा. ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, अलग अलग तरीके का पहाड़ है. ये थोड़ा अलग टाइप का है. और यहाँ पे ना बंजी जंपिंग भी होते. थोड़ा आगे क्रॉस करके आई मैं. बंजी जंपिंग ऐसे ऊपर टॉप से नीचे जंप करता है ना, ऐसा वाला. भाई मेरे को ना पहले ही लोकेशन लगा के आना चाहिए था, मैं ना गलत रास्ता आ गई भाई.
फिर से मेरे को वापस जाना पड़ेगा। अभी यार मैं जांस्कर जा रही हूँ, पागल जांस्कर वैली जा रही हूँ मैं मनाली की तरफ। भैया कारगिल इधर से नहीं जाते क्या? कारगिल इधर से नहीं जाते ना? पानी कहाँ हाँ इधर है ना, कहाँ हाँ इधर है ना, इधर है हाँ इधर। हाँ निम्मू रोड में जाएगा, निम्मू या मैन भाई। यार मैं तो बहुत दूर आ गई ना, इधर नहीं आ गई मैं, इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने ऊपर। बाल गाइस यार दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ऑब्वियसली सब लोगों ने देखा ही होगा यूट्यूब पे, किसी किसी का पूरा मिट्टी का पहाड़ जैसा है, उसका नाम कुछ था, मैं आप लोगों को पूछ के बताऊंगी। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पहाड़ देखने को मिलेगा आपको इधर, और इधर का तो ये देख सकते हैं, लुक एट दिस माय गॉड। ये जगह का नाम लामायुरो, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, और इसे मून लाइट कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये फुल मून होता है ना, पूरा इससे लाइटनिंग आता है, आप लोग देख सकते हैं पूरा। ये जगह का नाम है लामायुरो, यहाँ से एक ऊपर एक मोनेस्ट्री है, आप लोग देख सकते हैं अति से मोनेस्ट्री ना कुछ है, यहाँ से बहुत ऊपर जाना पड़ता है। और ये नया रास्ता बना है अभी, इधर अभी तो नहीं दिख रहा होगा, इधर से उधर जाते सीधा ऊपर जाते। सो वो रास्ता हमारे असम के कॉन्ट्रेक्टर ने बनाए हैं, इधर मेरे को बताया था कोई, सो यही है। तो अच्छा लगा हमारे असम के लोग भी इतना दूर आके मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सुन के। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है श्रीनगर 53, जोजिला पास 151, द्रास 121 और कारगिल 54 किलोमीटर। सो अभी आज मैं रुकूंगी कारगिल पे, कल जाएंगे द्रास, द्रास पे वो मेमोरियल जो है ना, कारगिल वार का मेमोरियल जो है, सो कल देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और यहाँ का रास्ता का कंडीशन देखा जाए तो रास्ता बहुत ही मस्त है, लेकिन क्या है ना ऐसे राउंड 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 वाला गुल 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 वाला रास्ता है, इसीलिए टाइम लगता है थोड़ा, सो वही दिक्कत है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गेट दिस, ये ना गांव ना मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब नीचे बिल्कुल आर्ट किया हुआ टाइप लग रहा है, येल्लो येल्लो लीव्स, यहाँ पे सब ज़्यादातर लीव्स येल्लो ही होते हैं क्योंकि शायद अभी ऑटम सीजन है ना, तो इसीलिए लीव्स सब येल्लो हो रहे हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। देखो यहाँ से कारगिल बस 19 किलोमीटर दिखा रहे हैं, और मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ पता है, ऊपर से ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, पहाड़ देख रहे हैं ना, ये सब पत्थर है, ऊपर से छोटा सा पत्थर गिरा, ऊपर से ना एक छोटा सा पत्थर गिरा, फिर मेरे हेलमेट के ऊपर लग गया, ठाक करके लगा, इतना जोर से आवाज़ किया, मैं तो डर ही गई थी क्या हो गया बोल के, फिर ऐसे संभल के जाना होता है, थैंक गॉड छोटा सा ही पत्थर था, अगर बड़ा होता तो क्या होता। मैं अभी पहुंच चुकी हूँ कारगिल, ये एक बड़ा सा होटल है, पता नहीं ये सर नहीं जी मैम हूँ, मैम हूँ ये हाँ है, कितने का है वो मैम? अच्छा पूछते हैं ना कितने का है। सो गाइस एक्चुअली क्या हुआ है ना, मैं फ्रंट कैमरा से अभी ना वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि क्या हुआ ये आप लोग देख सकते हैं ना, थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहे, ये हुआ है मतलब उस दिन मैं उमलिंगला में जब गई थी ना, तब हवा की वजह से मेरा फ़ोन गिर गई थी, और उसके बाद
एकदम कैमरा के पास ही वो टेम्पर टूट चुके हैं, सो ऐसे थोड़ा ब्लर आ रहा है। अभी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरे को ना बहुत मस्त वाला होटल मिला इधर पे, देख सकते हैं। ये है मेरा रूम, बहुत ही बड़ा है। ये है जोजिला रेसिडेंसी। जोजिला रेसिडेंसी मैं अभी हूँ कारगिल पे, मैं यहीं पर रुक गई थी कल होटल पे। मेरे को ये, वैसे तो ये थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं पे कर रही हूँ 1500 रुपीज़। तो 2000 बोल रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया है, 1500 रुपीज़ बोला है। सो वही, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो लाइक 1500 में पे कर रही हूँ इसका। सो अभी मैंने ऑर्डर किया है ब्रेकफास्ट, एंड उधर फ़ोन इधर चार्ज पे लगी हुई है, मेरे ब्रेकफास्ट है। मैंने ऑर्डर किया है केसर मिल्क और पराठा, आलू पराठा। सो गाइस अभी खा लेते हैं, फिर जल्दी निकलना है। आज हमें जाना है श्रीनगर, फाइनली कश्मीर जाना है गाइस। मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहे हैं, आज कश्मीर जाऊंगी। और या गाइस बाकी का बाद में बात करते हैं, अभी जल्दी जल्दी फट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। अभी ना मैं निकल रही हूँ यहाँ से, सब कुछ पैक एंड बैग मैंने नीचे भेज दिया है। सो लेट्स गो गाइस, अभी चलते हैं सीधा वॉर मेमोरियल देखने, रास्ते में ही पड़ता है। सो लेट्स गो, सीधा आपको मोटो ब्लॉग पे मिलते हैं गाइस, लेट्स गो। वेलकम बैक टू मोटो ब्लॉग। अभी बाइक को कर दी है कोल्ड स्टार्ट, अभी पहनते हैं ग्लव। मेरे हाथ का हालत देख सकते हैं, क्या से क्या हो गए। सो निकलते अभी पेट्रोल भरेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लोकेशन लगा दिए हैं ताकि गलत ना हो जाए। तो गणपति बप्पा मौर्य, हर हर महादेव। चलो गाइस निकलते इधर से, अभी यहाँ से सीधा चलते रहेंगे। सो गाइस ये है कारगिल, और मैं यहाँ पे नहीं घूमी क्योंकि मेरे को अभी सीधा जाना है। ये है कारगिल सिटी, कुछ इस तरीके का है, और बहुत सुंदर है ऊपर से अगर देखा जाए तो। क्योंकि मेरे को ना अभी 10 बज चुके हैं, 10:05 हो गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे कारगिल वॉर मेमोरियल। आप लोगों को पता ही होगा कारगिल वॉर 1999 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच। सो वही वॉर मेमोरियल देखने जा रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो चलते गाइस, आप लोगों को भी दिखाते। कारगिल कुछ इस तरीके का है, कारगिल सिटी। दिस इज द मार्केट एरिया, ये मार्केट है। कंगाल हो चुकी हूँ मैं पेट्रोल भर भर के, जितना मेरा पेट्रोल में जा रहा है ना उतना मेरा पेट में भी नहीं जा रहा है। क्या बताऊँ, अगर आए हैं तो पेट्रोल तो भरना ही पड़ेगा, है ना गाइस, नहीं तो बाइक कैसे चलेगी। यहाँ से श्रीनगर दिखा रहे हैं 201, सोनमार्ग 121, और द्रास 53 किलोमीटर और 58 किलोमीटर। और कल रात में ना बैटरी, गोब्रो का बैटरी चार्ज करना मैं भूल गई, तो बस एक ही बैटरी बचा है मेरा, लास्ट यही है, वो भी 97% था। सो यही बैटरी बची है मेरी, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा श्रीनगर तक। तो जो जो अच्छा अच्छा मोमेंट होगा मैं वही कैप्चर करूँगी। इतना और वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। मैं क्या सोचती हूँ ना, मेरा वीडियो क्यों लंबा होता है, मैं ना लाइक जगह दिखाने का सोचती हूँ आप लोगों को ना, रास्ता कैसा है वो दिखाने के लिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ही दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रास्ता देखो कैसा है, और लद्दाख आने का हर किसी का मन होता है। सो इसीलिए लाइक मैं थोड़ा वीडियो लंबा बनाती हूँ ताकि रास्ता का पता चले आप लोगों को किस तरीके का है, क्या है। सो वही गाइस, ये जो है ना वॉर मेमोरियल यही है। तो हम लोग इधर बाइक पार्क करेंगे। गाइस कैन यू सी दिस, और यहाँ पे रूल्स है, आपको यहाँ पे कहीं पे चलना नहीं है, बस ये जो ट्रैक है ना इधर से ही चलना है। उधर भी जाऊँगी मैं, उधर कारगिल वार के वो डॉक्यूमेंट्री चलते तो वो भी देखने जाएंगे। सो लुक एट दिस गाइस, सबका स्टैचू बनाया हुआ है ये, वाव। ये है हेलीपैड, आप लोग देख सकते हैं। Guys, look at this. ये है कैप्टन विक्रम बत्रा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा शेरशाह मूवी, जो
शेरशाह मूवी बेस्ड ऑन कैप्टन विक्रम बत्रा बनाए थे। और गाइस ये देख सकते हैं, इधर ऐसे बना के रखे हैं। गूज़बम्स आने लगे मेरे को, गूज़बम्स आ रहे गाइस। लुक एट दिस, माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा है देख के, लाइक मतलब अलग सा फीलिंग आ रहा है। और आप लोगों को पता है, और सब लोगों को पता ही होगा, जो 1999 में जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, कारगिल वार, और जितने भी जवान यहाँ शहीद हुए थे, सब यहाँ पे उन लोगों के लिए ये बनाए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं सबका नाम लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, टोटल कितना है, बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं। लुक एट दिस। और यहाँ पे एवरी ईयर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है इंडियन आर्मी के बीच, और हम सिविलियंस को यहाँ पे परमिशन नहीं है। और ऑफ़ कोर्स हम इंडियंस बहुत ही प्राउड फील करते हैं। एंड सैल्यूट टू दोस ब्रेव हार्ट्स जिन्होंने इतना टफ जंग लड़के हमें विक्ट्री दिलवाया है अपना लाइफ सेक्रीफाइस करके। टू द ब्रेव हार्ट्स हु गिव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। एक म्यूज़ियम, वो वाला म्यूज़ियम है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, लाइक पुराना जो भी चीज़ है, वार में क्या क्या यूज़ हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब कुछ है। और वहाँ पे लेटर्स भी है, जो लास्ट लेटर लिखते हैं ना, वो सब भी है, और मतलब सब कुछ है वहाँ। और 24 साल पुराना एक पाकिस्तान का फ्लैग भी है अंदर, जो कि हमारे इंडियन आर्मी ने जंग जीत के वो फ्लैग ले आए थे। हाँ थोड़ा बहुत। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा अभी कहाँ? श्रीनगर जा रहे हैं। अच्छा क्या बोले? अच्छा अच्छा मैं भी उधर से आए थे। ओके थैंक यू। सीरियसली मेरे को ना रोना आ गया था जब उधर में म्यूजियम में मैं जब अंदर गई ना भाई, मेरे आंसू आने लग गए। लाइक इतना पुराना लेटर, अभी इस वॉर से लाइक 24 इयर्स हो चुके हैं, और वो लोग एक लेटर लिखते हैं ना सबके लिए, मतलब वॉर से पहले अपने फैमिली को, अपने फैमिली तक जो लेटर लिखते हैं ना, सब लेटर इधर मतलब लगाया हुआ है। वो लेटर सब पढ़ के ना मेरे को भाई इतना गूज़बम्स आया, फिर पूरा रोना आ गया। मतलब कैसा फील होता होगा ना, लाइक अभी का ज़माने में तो पूरा फ़ोन वगैरह है, अच्छे से फ़ोन चलता है, बात कर सकते हैं फ़ोन में, वीडियो कॉल करके देख सकते हैं फैमिली। उस ज़माने में तो लाइक भाई लेटर से ही सब कुछ चलता था, तो लाइक मुझे सीरियसली बहुत ही रोना आ गया था। वो आखिरी लेटर बोलते हैं ना, लास्ट लेटर ऐसे ऐसे लिखा है, खुद को रोक नहीं पाई मैं। फिर उधर बहुत सारे लोग थे ना, फिर शर्म भी लग गया मेरे को उधर रोने के लिए, तो फिर मैंने रोक लिया खुद को जैसे तैसे करके। भाई एक बार तो कारगिल ये मेमोरियल, तो वार मेमोरियल तो आप लोगों को देखना ही चाहिए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उधर के ब्रेव सोल्डर्स थे सबके सब, और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कैप्टन विक्रम बत्रा मूवी, शेरशाह मूवी तो देखा ही होगा। और वो वाला मुझे तो यार, मुझे तो पता नहीं कैसे फाइट किया क्या है, तो मूवी देख के ही थोड़ा बहुत पता चलता है ना कैसे फाइट किया क्या किया, तो मूवी से ही थोड़ा बहुत पता चलता है। एग्जैक्टली तो नहीं होता है, फिर भी लाइक थोड़ा बहुत पता चलता है कि, और अब इमेजिन कर सकते हैं, अब इमेजिन कर सकते हैं कैसे फाइट किए हैं, कैसे जंग किए थे। ये सब पहाड़ देख सकते हैं, इतना टफ है, और पहाड़ों पे चढ़ना, उसके ऊपर इतना हेवी हेवी गन्स, ग्रेनेड, क्या क्या लोग कैरी करके, सामान कैरी करके ऐसे पहाड़ों पे चढ़ना, इट्स नॉट ईजी गाइज। सैल्यूट टू द ऑल ब्रेव शोल्डर्स, उन लोगों के लिए आज हम लोग इतना पीसफुली सो पा रहे हैं। ये गांव का नाम है ड्रास, इंडिया के कोल्डेस्ट विलेज है शायद। यहाँ पे लाइक -60 तक चले जाते बोल रहे थे, मैंने सुना है विंटर में बहुत ज्यादा स्नो होते इधर। लुक एट दिस, मेरा ये कैन ना अभी टूट के गिरने वाला है, क्या किया जाए इसका। हाँ ये पेट्रोल डाल ही देती हूँ, लेकिन कैसे डालूँ, क्या करूँ इसका अभी मैं। सी
इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मैंने भी देखा नहीं जब लगा रहे थे ना, मैंने भी देखा नहीं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये भाई पूरा ही टूट चुके हैं, ये देख सकते हैं। अभी इसको ये पेट्रोल, उधर पेट्रोल था ना, मैं अभी इस कैन में वो करूँगी, बचा जितना भी बचा है, आधा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि ये भी फुल है। और अभी तो ख़राब इतना ख़राब वाले रिश्ते में तो टूट के गिर जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, पेट्रोल थोड़ा बचा है, और फिर खाली खाली उधर लगा के चलेंगे। ये ना मैं दुकानदार को ठीक से गाली दूंगी अभी जाके, क्योंकि उन्होंने मेरे को ना जानबूझ के ऐसा वाला, जानबूझ के मेरे को ना ऐसा वाला वो दिया है। और यहाँ पे इतना धूल भी हो रहा है, देखो मेरे को जल्दी काम करना पड़ेगा अभी। सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं हूँ जो जिला पास, और ये है आपका, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है लद्दाख, यहाँ से बॉर्डर है ये एक, और ये साइड में है आपका, ये है कश्मीर। कैन यू सी दिस, ये है कश्मीर, ये है बॉर्डर है दोनों तरफ का बॉर्डर, ये है कश्मीर बॉर्डर और ये है लद्दाख। सो ये कश्मीर वैली उधर है और ये है लद्दाख वैली, और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वीडियो ले रहे। और मैं हूँ अभी जो जिला पास में, मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो जिला पास, और ऊपर स्नो देख सकते हैं आप लोग। और ये 11,649 फीट के ऑल्टीट्यूड में है, ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, मैं तो इससे आगे भी जा चुकी हूँ, है ना, फिर भी गाइस दस। और यहाँ पे देख सकते हैं व्यू, कैन यू सी दिस, कितना अमेजिंग सा व्यू है, वाओ। मेरे को ना वॉशरूम जाने का मन कर रहा है, अभी कुछ वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम है भी नहीं, तो मेरे को अभी यहाँ से निकलना है, और यहाँ से शायद श्रीनगर ज़्यादा दूर नहीं है, तो इधर से निकलते हैं अभी श्रीनगर के लिए। ये देखो भैया क्या बेच रहे हैं, हम कश्मीरी शॉल। हाँ मेरे को जबरदस्ती थमा दिए ना आपने कोई नहीं, अच्छा लगा, अच्छा अच्छा लगा, मैंने खरीद ली है एक। और इधर जब मतलब जगह ही नहीं है, फिर भी जैसे तैसे करके डाल दिए हैं, अभी यहाँ से निकलते। और ये अंकल आंटी गुजरात से है, हेलो अंकल, हेलो बोलिए, हेलो आंटी, घूमने आए हैं इधर, आओ इससे आगे जाएंगे, कल गुलमर्ग जाएंगे, अच्छा अच्छा गुलमर्ग, अच्छा गुलमर्ग जाने वाले, ओके बंद था ना इसलिए आज इधर आए, अच्छा ओके मैं भी जाऊंगी। सो गाइस मैं ना कश्मीर वैली एंटर कर चुकी हूँ, और यहाँ पे रास्ता कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक सा रास्ता है, यहाँ से नीचे भी एक रास्ता है, कहाँ जाते हैं ये नीचे वाला पता नहीं। और पहाड़ देखो गाइस, ऊपर स्नो देखो, ये पहाड़, और कुछ दिन बाद ना ये पूरा स्नो से कवर्ड हो जाएंगे, पूरा स्नो स्नो हो जाएंगे, लेकिन अभी तो ओ माय गॉड लुक एट दिस, कैन यू सी दैट, रास्ता गाइस रास्ता देखो, पूरा ऐसे करके नीचे तक जाना है भाई, बहुत ही खतरनाक वाले, वाव बहुत ही अमेजिंग सा जगह है भाई, कश्मीर वाले पहाड़ कुछ अलग ही सुंदर है भाई गाइस, सब अलग अलग तरीके का सुंदरता है, कश्मीर वाले पहाड़ अलग से सुंदर है, और ये क्या लद्दाख वाले अलग, कैन यू सी दैट गाइस ऊपर। मैं ना गाइस जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कश्मीर पहुंच जाऊंगी ऐसे बाइक लेके, जिंदगी में भी नहीं सोचा था, फाइनली गाइस आई मेड इट टू। हम लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर सा रिजोर्ट है मेरे दोनों तरफ, ये है सोनमार्ग कुछ इस तरीके का है, और घोड़े भी इधर चलाते हैं, ओह वाओ लुक एट दिस। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे फ्राइडेज खा रही हूँ, भूख लग रही थी, अभी मैं हूँ सोनमार्ग पे, मैं बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी, मैं पहले खा लेते फिर दिखाती हूँ। और यहाँ से उधर घोड़े लेके जाते हैं सब घूमने के लिए, सो लुक एट दिस कुछ इस तरीके का है, अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। गांव लाइक हमारे उधर का गांव जैसा ही लग रहा है, ये देखो पूरा
पेडी फील्ड, हमारे असम का जैसा ही लग रहा है। ये देखो गाइस, लुक एट दिस, ये कोई कश्मीर वश्मीर नहीं है भाई, ये असम है। असम इज वेरी फेमस। गाइस हां, वी गेटिंग बाय माय फ्रेंड ओके फ्रॉम कश्मीर। कहां कहां पे? नहीं कुछ नहीं है। सो बाइक इधर पार्क कर लिए है ना। हेलो अंकल, वी हैव आवर बोट 1 करोड़ रुपीस। हां दिस इज सेफ। ओके सेम, दिस इज सेम, डोंट वरी। ओके थैंक यू, वेलकम टू कश्मीर। थैंक यू। हालत खराब हो चुकी है, अभी पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरा रूम और अभी मैं हूँ बोट हाउस पे। देख सकते हैं पानी और ये है किचन। सो ये सबीर भैया है और ये बोट हाउस के ओनर है। तो आज मैं यहीं पे रह रही हूँ, है ना जी मैम। अभी क्या पिलाने वाले हैं? अभी हम आपको कश्मीरी कावा पिला रहे हैं। कश्मीरी कावा पीने वाले अभी। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? इधर पर मैं रहता हूँ। अच्छा हाँ, और जो मेरा फैमिली है वो उधर घर में रहता है। अच्छा, आपके घर, आपका घर किधर है? सुबह दिखाएगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। ये है कश्मीरी कावा, इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें केसर डालता है। अच्छा, चाय पत्ती, इलायची, दालचीनी। ओके, तीन चार आइटम्स में डालता है। वाओ, बहुत ही टेस्टी है। बिस्किट नहीं है। चलो नहीं चाहिए बिस्किट, होगा चाय मस्त है। नहीं, कश्मीरी कावा खाओगे?